नाजरीन इस वक्त मेरे साथ कुछ और भी भाई, क्या वाले भाई मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, खैर से? अल्लाह का शुक्र है जी। भाई कितने वक्त से आप ये बाइक चला रहे हैं? तकरीबन 2-3 माह हो गया जी। 3 माह हो गए, तो इस 2-3 माह में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? बस जब सवारी पिक करते हैं तो जगह कोई और बताते हैं, जब उतरते हैं जगह का बताते हैं फलां जगह हमने उतरना है, जब उधर हम जाके लेके जाते हैं फिर कहते हैं थोड़ा सा आगे लेके जाएं, अगली गली में लेके जाएं, अगली गली में वहाँ, फिर हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि चूंकि उन्होंने हमें एक जगह का करेक्ट बताया होता है, वो जब हम लेके जाते हैं वो उन्हीं पैसों में हमें जो है ना बड़ी मुश्किल से वो भी पैसे देते हैं। तो आप जब राइड पिक करते हैं, उन्हें ड्रॉप करते हैं, तो अगर वो आपको थोड़ा सा आगे पीछे ले जाएं तो आप उनको उसके चार्ज करते हैं? बिल्कुल, हम उन्हें कहते तो हैं, लेकिन कोई बंदा भी जो है ना आज दिन तक जो हमें मिला है ना, किसी ने भी एक्स्ट्रा चार्जेस हमें नहीं दिए, और जहाँ का बताते हैं वहाँ उतरते नहीं है। अक्सर यही होता है कि आगे कोई शादर नादर कोई अच्छा बंदा मिल जाए, 20-30-25 एक्स्ट्रा। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि एक बंदा आपके साथ बैठा है, उसने आपको कहा कि इस लोकेशन आपको इस गली की दी हो, लेकिन आपको कहे कि मुझे अगली गली में उतार दें, ऐसा कोई बंदा आपको आज तक मिला है? तकरीबन जो है ना 70-80% इसी तरह ही होता है, जो भी बंदा मिलता है बताता, मतलब कि फलां जगह हमने फैजाबाद फर्ज करें उतरना है या I-8 उतरना है, गली एक बताते हैं, आगे 2-3 गलियां आगे लेके जाते हैं, यहाँ वहां से टर्न लेके आए जी, यहाँ टर्न लेके, वो करते करते मतलब कि हमें 3-4 गलियां आगे ही लेके जाते हैं। तो यानी कि जब आपको आप इसको इस तरह कस्टमर का आपको सामना करना पड़ा है, तो उस जब आपने उनको पिक किया होता है और आप उन्हें जहाँ पे उनको जाना होता है वहाँ पे ड्रॉप करते हैं, तो इस दरमियान उनका जो रिएक्शन होगा, उनका जो बर्ताव होता है आपके साथ, वो कैसा होता है? बस कई लोग अच्छे भी होते हैं, वो खुद से ही एक्स्ट्रा चार्जेस दे देते हैं, लेकिन जो है ना 70-80% लोग जो है ना वो बड़ी मतलब मुश्किल से ही जो ना बड़े हमें अजीब तरीके से हमारे साथ पेश आते हैं। नाजरीन इस वक्त मेरे पास बाइक वाले एक भाई मौजूद थे जिन्होंने ये शिकायत की कि हम जब कस्टमर को पिक करते हैं एक जगह से और उन्होंने ड्रॉप लोकेशन दूसरी बताई होती है, जब हम उधर उन्हें लेके जाते हैं वो कहते हैं इस गली में नहीं दूसरी गली में लेके जाएं, जबकि वो उनके फिर चार्जेस भी उनको नहीं करते।